देना, जनता की भाई, जनता की समस्याओं का ठीक है, आप बोलिए, वही मैं देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। 15 करोड़ कहाँ से? फाजिल अहमद 15 करोड़ हिंदू कहाँ है? सारा काम होगा फाजिल अहमद भाई, आप चर्चा घुमाइए मत। 15 करोड़ हिंदू कहाँ? हाँ तो जोड़ दे रहे, सुन लीजिए, 15 करोड़ सरना आदिवासी है, वो हिंदू नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है? देश को तोड़ने वाला एक और शख्स, और वो भी मेरे चैनल पर। नहीं 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 नहीं, इस तरीके से आप तोड़ेंगे नहीं, नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे तो मुस्लिमों में जातियां मैं गिना दूं, ऐसे तो मुस्लिमों में जातियां मैं। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप भी? नहीं नहीं नहीं, इस तरीके से जातियों में तोड़ने पर आऊं तो मैं तोड़ना शुरू कर दूं? आदिवासी हिंदू नहीं है, अजीब बात है, वाह अजीब। कौन कहां से पढ़ के आ जाते हैं सर? कौन सी किताब पढ़ के आ जाते हैं सर? क्या किताब पढ़ लेते हैं? अरे ठीक है, धनंजय जी आइए। नहीं नहीं नहीं, ये फाजिल भाई ऐसे तर्क दीजिए कि मैं खामोश रहूं और जनता भी खामोश रहे तो सुने। जनता हंसना शुरू कर देगी तो दिक्कत होगी। धनंजय जी नहीं नहीं, तोड़ नहीं सकते, आपको तोड़ने दूंगा ही नहीं मैं आपको इस चैनल पे। मैं जातियों में तोड़ने ही नहीं दूंगा। आदिवासी हिंदू नहीं है, फलाना हिंदू नहीं है, ये हिंदू नहीं है। आप शिया सुन्नी एक हो पाए? आप शिया सुन्नी एक हो पाए? लखनऊ में पुलिस लग जाती है, लखनऊ में पुलिस लग जाती है। तो ऐसे तर्क मत दीजिए कि आपको काट सुनने को मिले। धनंजय जी आइए, धनंजय जी एक बात, धनंजय जी मेरा सवाल, बहुत सीधा सवाल, धनंजय जी सरना कोड बिल क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल उठ रहा है आदिवासियों के नाम पर। और जहां तक बात अनीश भाई की है, तो उनका कहना है कि महाराष्ट्र कह रहा है बीजेपी से चले जाओ, इसका संकेत 2024 लोकसभा चुनाव में मिल गया है। हालांकि मैं इस बात से एकदम एतराज रखता हूं कि हिंदुओं को जाति में तोड़ने की गंदी कोशिश मेरे पैनलिस्ट ने की। मैं क्षमा चाहता हूं अपने दर्शकों से, लेकिन धनंजय जी आप अपना जवाब दीजिए। आदिवासी नहीं है आप? नहीं नहीं, वो आपको, वो आपकी किताब अपने घर में रखिए, उस किताब को, वो किताब आपका ज्ञान है। धनंजय जी मैं अनीस का जवाब दे दूंगा, अनीस हमारे बीच डिफरेंसेस होंगे, हम उसकी जवाब दे देंगे, लेकिन इस फाजिल का मोहम्मद का जवाब दे देता हूं पहले। अलामा इकबाल के शब्द हैं, मेरे नहीं है राजीव भाई, मेरे शब्द नहीं। अलामा इकबाल ने कहा कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल सबीर हुए नाराय तकबीर के साथ, जिन लोगों ने नाराय तकबीर लगाकर मोहम्मद साहब के नवासे को करबला के मैदान में कत्ल किया। ये कत्लोगारत हिंसा और नफरत की राजनीति पूरे दुनिया में है, ईरान में, इराक में, सीरिया में, जॉर्डन में, लेबनान में, दुनिया में 49 देशों को रक्त रंजित कर रखा है, पूरी धरती को तबाह करके रखा है। ऐसे ऐसे सोच, ऐसी घटिया सोच ने, ऐसे निकृष्ट मानसिकता के लोगों ने, और हिंद देश के निवासी सभी जने के, हम कहते हैं मुसलमान भी इसी पार्टी का है, लेकिन ये विघटनकारी सत्य, ऐसे 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 घटिया और घृणित मानसिकता के ऐसे लोग, ऐसे ही घटिया लोगों से बचने की इस मुल्क को जरूरत है। आदिवासी बिरसा मुंडा, आजादी का पहला स्वतंत्रता संग्राम छेड़ने वाला बिरसा मुंडा, जिसके तीर से मरा एडवर्ड, वो बिरसा मुंडा ने इसी धरती की पूजा की, इसी धरती के सब सब के लिए मेरे पास कुछ सवाल है। मैं आ रहा हूँ, एक मिनट अनीश भाई, आपकी जवाब बाद में दे दूंगा, तो दिक्कत होगी, मैं सबके पास आऊंगा। धनंजय को, धनंजय प्लीज आप जवाब दें, आपका अपने जवाब तक सीमित रहे। देखिए राजीव, मुनाफिक और मक्कार लोगों को यह मुल्क अच्छे से पहचान रहा है, और राम मंदिर का पहला ईंट रखने वाला कामेश्वर चौपाल एक दलित समाज से आता है, और इस देश के पिछड़े के एक प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं। आज झारखंड की जो स्थिति हो गई है, वहां टोले बन रहे हैं, जवाई टोला बन रहा है, जिस 48% संथाल परगना में आदिवासी थे, 28% हो गए, 30 आदिवासी बहनों का बलात्कार हुआ है, 33 आदिवासियों की पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। ये बदलती हुई डेमोक्रेसी एक डेमोग्राफ है, डेमोग्राफ डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। राजीव इस तरह से बात नहीं हो पाई। नहीं नहीं, कोशिश कीजिए, देखिए ऐसा है फाजिल भाई, फाजिल भाई ये देखिए, वो तथ्य मत रखिए,
जिन तथ्यों को नकारने के लिए सभी लगे हुए हैं। इंदिरा गांधी जी का बयान जाके सुन लीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था, और मैं उसको कोट करता हूं ऑथेंटिकेट करते हुए, कि जाति सबसे बेकार चीज है। अब तो ये देश के प्रति इसके नफरत है इसके दिल में, और ये भड़काऊ भाईजान की टीम है। भड़काऊ भाईजान का आप सुने ना, आज क्या कहा कि कटेंगे कटेंगे कटेंगे, जो काट के त्योहार मनाता और हम जो लड्डू बांट के त्योहार मनाते हैं। कहो रहीम कैसे हो केर बेर के संग, हम तो लिप्टन चाहते हैं तुम फाड़त हो अंग। ये घटिया मानसिकता, ये गिरी हुई मानसिकता जो 49 देशों में उत्पात मचा करके रखा है ईरान इराक सीरिया जोबरल मिलान, यही वही मानसिकता है, ये उसी मानसिकता के रिप्रेजेंटेटिव है, उसी मानसिकता के संवाहक है। ऐसी घटिया, इसी के लिए क्या धनंजय, इसी के लिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे हो रहा है क्या धनंजय, इसी के लिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे तो आप लोग कर रहे हैं क्या, क्या यही आप लोग क्या क्या खुल के बताइए धनंजय, यही है जड़ में, खुल के बताइए। देखिए ऐसी विकृत मानसिकता के खिलाफ पूरे देश को एक होने की जरूरत है। तो ये इसका इस ऐसे घटिया लोगों का एजेंडा जानते हैं क्या है, खुदी ने हिजाजी का बेबाक बेड़ा निशा जिसका अक्सा आलम में पहुंचा, मुहज्जम हुआ कोई खतरा न जिसका, न उलझम में ठिका न कुलझम में जिसका, किए पे जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा क्या कर, उदी नहीं हिजाजी का बेबाक बेड़ा जो गंगा के किनारे में डूबा हुआ है उसको निकालने के लिए ऐसे मक्कार मुनाफिक लगे हुए हैं। और इनकी इनकी इस कोशिशों को नाकाम करेगा संगठित हिंदू और मुल्क से जुड़ा हुआ मुसलमान भी जानता है कि तुम क्या बनाने। जावेद अख्तर ने तो पार्लियामेंट में कहा था कि जो मुसलमान पाकिस्तान पाकिस्तान करते हैं वो एक बार चले जाए वहां आके इस देश की माटी को चूमने लगेंगे, ये कहा था जावेद अख्तर ने, कहा था पार्लियामेंट में कहा था। तो ऐसे मक्कारों को मुनाफिकों को इस मुल्क के अनीश गढ़वी पहचान रहे। अनीश गढ़वी, अनीश गढ़वी, क्या फाजिल अहमद की बात से आप भी इत्तेफाक रखते हैं? देखो फाजिल अहमद में अहमद ने जो आखिरी में बात कही है, यहाँ पे कितने हिंदू हैं कितने मुसलमान हैं, उस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। और यह बातें इस लाइव मीडिया पे इस तरह से करना सही नहीं है, मैं इस बात को हम इससे राजी नहीं है। मैं अपनी शिवसेना यूबीटी का पक्ष यहाँ पे रख रहा हूँ। हिंदू कितने हैं, मुस्लिम कितने हैं, ये देश सबका है, इस बात पे हम ये बात हमारी है। और दूसरी बात, अभी मैं आता हूँ ये भारतीय जनता पक्ष के प्रवक्ताओं पर, सुनिए आप आगे 49 देशों पे घूम के आपको अभी थोड़ा अपने गिरेबान में झांकना होगा, महाराष्ट्र में झांकना होगा। अरे तो विचार तुम्हारे पास बचे रहे तो क्या झांकोगे भाई, जो जो सबों के सामने सर झुका है वो शिवाजी के सामने कौन सा मुंह लेके जाए, जो भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ता, आप मुझे सुनिए, आप हमारी विचारधाराओं की बात करते हैं, हम आज भी कहते हैं, हम आज भी कहते हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी से नहीं हटे, हमने भारतीय जनता पक्ष को लात मारी है, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा है। और हिंदुत्व किसी को मारना काटना बांटना ये नहीं सिखाता, हिंदुत्व हाथों को काम देना सिखाता है, हृदय में राम और हाथों को काम, यह शिवसेना का हिंदुत्व है। आपसे हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने की हमें शिवसेना को कोई जरूरत नहीं है। और आप हमें नसीहत ना दें, जिन्होंने मुफ्ती महबूबा के साथ अपनी सरकार बनाई, जिन्होंने सुशील व्यास, ठीक है समय कम है, सुशील व्यास, सुशील व्यास अब तक की चर्चा में, सुशील व्यास अब तक की चर्चा में एक नाथ शिंदे की शिवसेना, ठीक है एक नाथ शिंदे की शिवसेना क्या सोच रही है अब तक की चर्चा में, क्या ये सब कुछ कुछ दिनों का मेहमान है, परिणाम आते ही ये सारी चीजें गायब हो जाएंगी? राजीव जी जो चर्चाएं भी समय चल रही थी दुर्भाग्यपूर्ण चर्चाएं हैं, इससे देश का हित नहीं होना, देश की एकता में कमजोरी निश्चित रूप से आ सकती है। लेकिन जहां तक रहा सवाल वर्तमान महाराष्ट्र की सरकार जो एकनाथ रावजी शिंदे के नेतृत्व में भाजपा और अजीत राव जी के मदद से चल